गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर सीरीज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स के बारे में जानेंगे। लास्ट के कुछ वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर केबल सिंगल मोड वर्सेस मल्टी मोड फाइबर केबल के बारे में जाना था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। फाइबर कनेक्टर जो है बेसिकली दो तरह का होता है। पहला होता है सिंप्लेक्स कनेक्टर, जिसके अंदर आपको एक सिंगल कनेक्टर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा होता है डुप्लेक्स कनेक्टर, जिसके अंदर दो कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का डुप्लेक्स कनेक्टर होता है। चलिए अब हम लोग जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कनेक्टर्स हैं उसको वन बाय वन डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला कनेक्टर है हमारा SC यानी सब्सक्राइबर कनेक्टर, और स्टैंडर्ड कनेक्टर या फिर इसे स्क्वायर कनेक्टर भी कहते हैं। SC कनेक्टर कुछ इस टाइप का देखने के लिए आपको मिलेगा, कुछ इस टाइप का SC कनेक्टर होता है, यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर हम इसके शेप की बात करें तो स्क्वायर शेप्ड विद अ पुश पुल लॉकिंग मैकेनिज्म, ये इसका शेप स्क्वायर होने के कारण इसको स्क्वायर कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके फेरोल साइज की बात करें तो इसका फेरोल साइज जो होता है वो 2.5 mm का फेरोल साइज होता है। SC कनेक्टर का इस्तेमाल हम लोग सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर केबल दोनों के केस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके यूज की बात करें, ऑफन यूज्ड इन डेटा सेंटर्स एंड FTTH फाइबर टू होम नेटवर्क्स। इसके फीचर्स की बात करें, सिंपल इंस्टॉलेशन, लो कॉस्ट एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो हमारा दूसरा कनेक्टर है जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कनेक्टर है, दैट इज द LC कनेक्टर, जिसे हम ल्यूसेंट कनेक्टर या फिर लोकल कनेक्टर या फिर इसे लिटिल कनेक्टर भी कहते हैं। LC कनेक्टर कुछ इस टाइप का देखने के लिए आपको मिलेगा, ये देखिए कुछ इस टाइप का ऐसी LC कनेक्टर होता है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो स्मॉलर स्क्वायर डिजाइन विद अ लैच मैकेनिज्म, स्मॉलर होने के कारण इसका साइड साइज ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जितने भी कनेक्टर्स हैं सबसे छोटा कनेक्टर जो है वो LC है, तो इसलिए इस कनेक्टर को लिटिल कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। LC कनेक्टर का इस्तेमाल हम लोग सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर दोनों के केस में भी करते हैं। अगर हम इसके यूज की बात करें, प्रीफर्ड इन हाई डेंसिटी एप्लीकेशन सच एज सर्वर रूम्स। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, कॉम्पैक्ट साइज 1.25 mm का इसका फेरोल साइज होता है, हाई परफॉर्मेंस एंड इजी ऑफ यूज। LC कनेक्टर और SC कनेक्टर लुक वाइज आपको सिमिलर देखने के लिए मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। SC कनेक्टर साइज में थोड़ा बड़ा होगा, उसका लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो भी डिफरेंट है। LC कनेक्टर वहीं आपको छोटे साइज का होगा और इसकी लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला कनेक्टर है हमारा ST कनेक्टर, जिसे हम स्ट्रेट टी कनेक्टर कहते हैं। ST कनेक्टर कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इस टाइप का हमारा ST कनेक्टर होता है। इसके शेप की बात करें तो राउंड डिजाइन विद अ बैनेट स्टाइल ट्विस्ट लॉक मैकेनिज्म। अगर आपने एनालॉग कैमरा इंस्टॉल किया होगा तो वहां पर BNC होता है, BNC कनेक्टर का हम लोग यूज करते हैं, तो वैसे ही उसी टाइप का ये हमारा ST कनेक्टर होता है। ST कनेक्टर की बात अगर हम करें तो इसका फेरोल साइज भी 2.5 mm का फेरोल साइज होता है। अगर हम इसके यूज की बात करें, कॉमन इन ओल्डर नेटवर्क्स एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स। इसके फीचर्स की बात करें, ड्यूरेबल, इजी टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट। अगला कनेक्टर है हमारा FC कनेक्टर, जिसे हम फेरोल कनेक्टर या फिर फाइबर चैनल भी कहते हैं। FC कनेक्टर कुछ इस टाइप का होता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये इस टाइप का FC कनेक्टर होता है। अगर हम इसके शेप की बात करें, राउंड डिजाइन विद अ थ्रेडेड कपलिंग मैकेनिज्म के यूज की बात करें, ऑफन यूज्ड इन हाई वाइब्रेशन एनवायरनमेंट सच एज इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। अगर हम इसके इसका भी FC कनेक्टर का भी फेरोल साइज होता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, रिलायबल एंड रेसिस्टेंट टू वाइब्रेशंस। चलिए अब हम लोग जो फाइबर कनेक्टर्स है जो हमने अभी ऊपर के स्लाइड्स में देखा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कपलिंग स्टाइल के बारे में जानेंगे, फेरोल फीचर्स के बारे में, उसके डुप्लेक्सिंग जो डेटा ट्रांसमिशन मोड एंड उसका हम कौन कौन से केस में यूज कर सकते हैं। पहला कनेक्टर है हमारा SC, जिसकी कपलिंग स्टाइल है स्नैप पुश पुल, फेरोल साइज इसका 2.5 mm, यस इसका इस्तेमाल हम
फुल डुप्लेक्स मोड में करते हैं। सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर दोनों के केस में भी एससी कनेक्टर का इस्तेमाल होता है। अगला जो हमारा एलसी कनेक्टर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कनेक्टर है, उसकी कपलिंग स्टाइल स्नैप टाइप की होती है एंड इसका फेरोल साइज 1.25 mm का होता है। यस वी कैन यूज फुल डुप्लेक्स मोड एलसी कनेक्टर को एंड इसका इस्तेमाल भी सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर केबल दोनों भी केस में होता है। अगला कनेक्टर है हमारा एसटी, इसका कपलिंग स्टाइल है बैनर टाइप एंड इसका फेरोल फीचर्स है 2.5 mm का फेरोल साइज है। इसका इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग सिंप्लेक्स मोड के लिए करते हैं। सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर दोनों केस में भी हम एसटी कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हमारा एफसी, जिसकी कपलिंग स्टाइल स्क्रू ऑन एंड इसका फेरोल साइज जो है वो है 2.5 mm का। इसका इस्तेमाल भी हम फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर कर सकते हैं, नॉर्मली इसका इस्तेमाल हम सिंगल मोड के लिए करते हैं। तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे कनेक्टर्स जो आज इन दिनों यूज होते हैं वो एलसी और एससी, तो हमें विच वन टू बाय, एससी और एलसी, हमें कौन सा कनेक्टर लेना चाहिए, एलसी और एससी? चलिए हम इस डाउट्स को क्लियर करते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। फॉर नेटवर्क्स यूज वेयर स्पेस इज नो कंसर्न यूज एससी कनेक्टर, जहां पर हमें स्पेस का कंसर्न नहीं है वैसे केस में हम एससी कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। If you want to fit as many connectors as possible in one patch panel, use LC connector. जहां पर आपको स्पेस का कंसर्न है, आप चाहते हैं कि एक पैच पैनल के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कनेक्टर, ज्यादा से ज्यादा हम अपलिंक फाइबर केबल को कनेक्ट कर सके, इन दैट केस यू कैन गो विद द LC connectors. एंड फॉर पर्सनल एंड रेसिडेंट यूज वी रिकमेंडेड SC connectors. आप पर्सनल या फिर रेसिडेंट यूज के लिए SC connector का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।